हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सईद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शैल बी हैविंग टू, विल बी हैविंग टू। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वाज हैविंग टू, वर हैविंग टू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ हैविंग टू। पहचान लिखिए। ना प्लस पढ़ रहा होगा, ना प्लस पढ़ रही होगी। ना प्लस पढ़ रहे होंगे। ना प्लस पढ़ रहा होगा, ना प्लस पढ़ रही होगी, ना प्लस पढ़ रहे होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स लिखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल है, शैल बी या विल बी, प्लस हैविंग टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड। रूल्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या आ रहा है? ना प्लस पढ़ रहा होगा या ना प्लस पढ़ रही होगी या ना प्लस पढ़ रहे होंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या रहेगा? विल बी। ही विल बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट ही विल बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा। इसमें क्या आ रहा है? कंपल्सन यानी मजबूरी। ही क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। उसके बाद विल बी, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद अदर वर्ड। उन्हें उन्हें बहुत सोचना पड़ रहा होगा, उन्हें बहुत सोचना पड़ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? दे विल बी हैविंग टू, सोचिंग क्या होती है? थिंक। क्या हो जाएगा? थिंक। बहुत मतलब अलर्ट। अलर्ट क्या होता है? बहुत।
दे विल बी हैविंग टू अलॉट उन्हें बहुत सोचना पड़ रहा होगा. क्या हो जाएगा, देख क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंग, उसके बाद अदर वर्ड. मुझे अखबार पढ़ना पड़ रहा होगा. मुझे अखबार पढ़ना पड़ रहा होगा, क्या हो जाएगा, आई शैल बी हैविंग टू रीड न्यूज़पेपर. आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे. आई शैल बी हैविंग टू रीड न्यूज़पेपर, मुझे अखबार पढ़ना पड़ रहा होगा. आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शैल बी, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, इसके बाद अदर वर्ड. निगेटिव, रूल्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ रहा होगा, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ रहा होगा ना प्लस पड़ रहा होगा, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट लगाएंगे, ही विल नॉट बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट
ही विल नॉट बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ रहा होगा। ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद विल हो गया, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। हमें हमें खाना नहीं पकाना पड़ रहा होगा। हमें खाना नहीं पकाना पड़ रहा होगा, क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी हैविंग टू कुक फूड। वी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हो गया, उसके बाद नॉट बी हो गया, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। हमें खाना नहीं पकाना पड़ रहा होगा। वी शैल नॉट बी हैविंग टू कुक फूड। इंट्रोगेटिव, रूल्स लिखिए। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा? क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा? क्या करेंगे, क्या से प्रारंभ हो रहा तो क्या लाएंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? विल ही बी having to, will he be having to play cricket? question mark। will हो गया, उसके बाद subject हो गया he, उसके बाद be हो गया, उसके बाद having to, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या धोबी को तालाब में कपड़ा धुलना पड़ रहा होगा? क्या धोबी को तालाब में कपड़ा धुलना पड़ रहा होगा? क्या करेंगे,
विल द वॉशरमैन बी हैविंग टू विल द वॉशरमैन बी हैविंग टू वॉश क्लॉथ कहां पर तालाब में क्या जाएगा इन द पॉन्ड क्वेश्चन मार्क विल हो गया उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वॉशरमैन उसके बाद बी हो गया उसके बाद हैविंग टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश उसके बाद अदर वर्ड उसके बाद क्वेश्चन मार्क रूल्स लिखिए इंट्रो वर्ड शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क इंट्रो वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क जैसे उसे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ रहा होगा उसे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ रहा होगा इंट्रो वर्ड क्या हो जाएगा क्यों क्यों कैसे कहां कब ये क्या है इंट्रो वर्ड क्या हो जाएगा वाई वाई विल He be, why will he be having to, play cricket? Question mark. Intro word हो गया why. उसके बाद subject. उसके बाद will या shall. Will हो गया. उसके बाद subject हो गया he. उसके बाद बी हो गया उसके बाद हैविंग टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले उसके बाद अदर वर्ड उसके बाद क्वेश्चन मार्क सो वन हू बाजार कब जाना पड़ रहा होगा सोहन को बाजार कब जाना पड़ रहा होगा क्या करेंगे सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट का प्रयोग करेंगे व्हेन व्हेन विल सोहन व्हेन विल सोहन बी हैविंग टू गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क इंट्रो वर्ड हो गया उसके बाद विल हो गया उसके बाद सब्जेक्ट हो गया सो वन उसके बाद बी हो गया उसके बाद हैविंग टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो उसके बाद अदर वर्ड
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। रूल्स लिखिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसे फुटबॉल नहीं खेलना पड़ रहा होगा? क्या उसे फुटबॉल नहीं खेलना पढ़ रहा होगा? क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। विल ही नॉट बी हैविंग टू प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क। Will he not be having to play football? Will हो गया, उसके बाद subject हो गया he, उसके बाद not be, उसके बाद having to, उसके बाद verb की first form play, उसके बाद other word, उसके बाद question mark। क्या हमें तालाब में मछली पकड़ना क्या हमें तालाब में मछली नहीं पकड़ना पड़ा होगा? क्या हमें तालाब में मछली नहीं पकड़ना पड़ रहा होगा? इंट्रोगेटिव क्या आ जाएगा? शैल वी नॉट बी कैचिंग फिश? शैल वी नॉट बी हैविंग टू कैच फिश? कहां पर? तालाब में। तो क्या हो जाएगा? इन द पॉन्ड। क्वेश्चन मार्क। शैल हो गया, उसके बाद वी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी हो गया, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको हम स्पोकन में विल भी लगा सकते हैं। विल बी नॉट बी हैविंग टू कैच फिश इन द पॉन्ड। स्पोकन में बोलेंगे विल
वी नॉट बी हैविंग टू कैच फिश इन द पॉन्ड। रूल्स लिखिए, इंट्रोगेटिव प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे उसे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलना पड़ रहा होगा। उसे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलना पड़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। Why will he not be? Why will he not be having to play cricket? कहां पर मैदान उतका जाएगा in the ground। क्वेश्चन मार्क। इंट्रो वर्ड हो गया वाई, उसके बाद विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उन्हें उन्हें खाना क्यों नहीं पकाना पड़ रहा होगा। उन्हें खाना क्यों नहीं पकाना पड़ रहा होगा क्या हो जाएगा वाई इंट्रोवर्ट वाई वाई विल दे नॉट बी हैविंग टू वाई विल दे नॉट बी हैविंग टू कुक फूड। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोवर्ड हो गया वाई, उसके बाद विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया दे, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं।